राम राम सभी ने। आज हम बात करेंगे रजनी पंडित के बारे में। एक निजी अन्वेषक हैं, महिला जासूसों की दुनिया में जो है रजनी पंडित का नाम काफ़ी जाना माना है। रजनी को महाराष्ट्र की प्रथम महिला जासूस भी माना जाता है। कभी कभी जो हमने भारत की प्रथम महिला जासूस भी माना जाता है। उन्होंने अपने कार्य से संबंधित कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं। भारत की मशहूर जासूस के रूप में उन्हें विभिन्न पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। जासूसी की दुनिया में काम करने के कारण उन्हें विवाह के लिए भी समय नहीं मिला और वो जो है आज तक जो है अविवाहित हैं। तो चलिए आज जो हम बात करते हैं रजनी पंडित के बारे में। भारत की पहली महिला जासूस रजनी पंडित से जो है हजारों केस सोल्व कर चुकी हैं। भारत की महिलाएं पुलिस, एयरफोर्स, नेवी और अन्य कई रक्षा विभाग में जुड़ी हुई हैं। महिलाएं खाकी वर्दी में अपराधी की गिरफ्तारी से लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने तक का काम करती हैं, तो वहीं देश की सीमा की रक्षा के लिए जो है लड़ाकू विमान उड़ाने की जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं। लेकिन भारत में एक ऐसी महिला भी है जो जासूसी के मामले में जेम्स बॉन्ड से कम नहीं है। देश के जासूसों का नाम लिया जाए तो सबसे पहले एक महिला जासूस का जिक्र होना जरूरी है। देश की सबसे पहली महिला जासूस रजनी पंडित है। रजनी पंडित को भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। उनकी ज़िंदगी में कई मुश्किलें आई लेकिन रजनी पंडित ने कभी हार नहीं मानी। रजनी पंडित एक जो है आम साधारण परिवार की लड़की हैं और जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। जब वह ग्रेजुएशन के पहले साल में थी तो इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उन्होंने एक ऑफिस में क्लर्क की नौकरी की। नौकरी के दौरान उनके ही कार्यालय की एक महिला के घर चोरी हो गई थी। महिला को इस चोरी का शक अपनी घर की बहू पर था। यह रजनी का जो पहला केस था। उस महिला ने अपने घर पर चोरी की छानबीन के लिए रजनी को कहा। रजनी ने जब चोरी की जांच की तो पता चला कि चोरी महिला की बहू ने नहीं बल्कि बेटे ने की थी। पूछताछ में जो है बेटे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। रजनी ने जब भी अपना पहला केस सोल्व किया तो उनकी उम्र जो है 22 साल थी। रजनी पंडित के पिता CID में थे, पिता एक जासूस थे। ऐसे में रजनी को जासूसी के बारे में अच्छा ज्ञान होने लगा। रजनी पंडित के जासूसी केस सोल्व करने की जानकारी लोगों के बीच फैली तो लोग उसके पास अपने मामले लेकर आने लगे। इसके बाद रजनी मशहूर होने लगी। उनकी पहचान भारत की पहली महिला जासूस के तौर पर बनने लगी। लेकिन उनके पिता को अब तक रजनी के जासूसी हुनर के बारे में जानकारी नहीं थी। जब रजनी के पिता को बेटी के इस काम की जानकारी हुई तो उन्होंने रजनी को रोका नहीं लेकिन आने वाली मुसीबतों के बारे में आगाह जरूर किया। पिता का साथ मिलने के बाद रजनी ने जो है जासूसी में खुलकर कदम रख दिया। रजनी ने हजारों केस सुलझाए, कभी नौकरानी तो कभी गर्भवती औरत का बेच लेकर वह पेचीदा से पेचीदा केस सोल्व करने लगी। भारतीय महिला जासूस बन चुकी रजनी के लिए एक केस काफ़ी मुश्किल था। शहर में एक पिता और उसके बेटे का डबल मर्डर हुआ था। हत्या करने वाले का कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। रजनी को जब यह केस मिला तो वह हत्या का पता लगाने के लिए पिता और पुत्र के घर पर ही नौकरानी का बेच लेकर पहुँच चुक गई। 6 महीने नौकरानी के तौर पर उन्होंने काम किया। उन्हें असली हत्यारे का पता चल गया। घर में मौजूद जो है महिला ने अपने प्रेमी के साथ ही मिलकर पिता और पुत्र की जो है हत्या की थी। काम बढ़ा तो रजनी ने जो है 1991 में अपनी जासूसी एजेंसी खोल ली जो इसी तरह के केस को जो सोल्व करती थी। छोटे बड़े मिलाकर रजनी ने 80,000 से ज़्यादा केस सोल्व किए थे। उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक केस के दौरान उन्हें पुलिस ने भी गिरफ्तार किया था। आरोप था कि उन्होंने केस सोल्व करने के लिए गलत तरीके से कॉल डिटेल निकलवाई थी। लेकिन रजनी ने अपने बचाव में कहा कि बतौर जासूस यह उनके काम का हिस्सा था। वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।